हाई एवरीबडी एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ कि प्राइमरी कलर्स कौन कौन से होते हैं। ये काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, प्राइमरी कलर्स के लिए बेसिकली आपको सिर्फ 3 कलर्स की रिक्वायरमेंट होती है। प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं, उन सब की मैं जानकारी इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो देखिए, आपको 3 कलर्स की रिक्वायरमेंट है। एक तो येलो, एक रेड और एक ब्लू। ये 3 कलर्स हैं जिसकी मदद से आप सारे कलर्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कलर्स होने आपके पास ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं येलो कलर। येलो कलर है मेरे पास, एंड देन है रेड कलर, एंड देन आप यूज़ करेंगे ब्लू कलर। तो जब मैं प्राइमरी कलर की बात कर रही हूँ, तो जो कलर्स एक्चुअल में होते हैं आप वही कलर्स यूज़ करें, कोई उसका लाइटर वर्जन यूज़ ना करें। जब मैं येलो बोल रही हूँ तो नॉर्मल येलो आप यूज़ कर सकते हैं, एंड देन रेड यूज़ करें तो हम नॉर्मल रेड यूज़ करें, एंड ब्लू बोल रही हूँ तो ब्लू भी आपको जो एक्चुअल में ब्लू होता है वही यूज़ करें, उसका लाइटर वर्जन, जैसे कि ये ब्लू है। ठीक है, ये यूज़ नहीं करना है जब आपको प्राइमरी कलर्स बोला जा रहा है तब। ठीक है, तो देखिए, रेड एंड येलो एंड ब्लू, ये 3 कलर हैं जिनसे हम सारे कलर्स को बनाते हैं, पर ये कलर्स किसी और कलर से नहीं बनाया जा सकते। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स वो होते हैं जो किसी और कलर से मिक्स होके नहीं बन सकते। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए कि आपके पास ये 3 कलर होने ही चाहिए। कोई और कलर हो या ना हो, ये कलर ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, तो आपके पास ये येलो कलर, रेड कलर एंड ब्लू कलर होना चाहिए। ठीक है, अब इन तीनों को कलर को मिक्स करने से क्या होता है, अब मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी कलर्स। सेकेंडरी कलर्स नेम से ही आपको पता चल रहा होगा कि क्या है इसका मीनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ली थी एक फ्लैट ब्रश और आपको सेकेंडरी कलर्स बना के दिखाती हूँ। तो हमें सेकेंडरी कलर्स में ये नहीं कि आपको ग्रीन अलग से ले लेना है, ऐसे ग्रीन कलर ले लेना है, ऐसे नहीं करना है। आपको सेकेंडरी कलर्स बना के देखने हैं, तो ये आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आपको बना करके अपने रूम में ये लगा लेना है। प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर एंड टर्शियरी कलर मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, तो आपको ये चीज़ बना के ऑलरेडी रखना है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर मैंने ले लिया है येलो एंड यहाँ पे मैं ले रही हूँ रेड। ठीक है, ये 3 कलर लिए। अब इन दोनों को मैं जब मिक्स करूंगी, तो हमें कुछ कुछ, देखिए, जब तक आप अच्छे से मिक्स करेंगे तब तक वो एक ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे येलो एंड ऑरेंज को मिक्स करके हमने ये 3रा कलर बनाया है, वैसे ही हमें अब एक और कलर बनाना है। कैसे बनाएंगे, रेड कलर लेंगे फिर से, एंड फिर मैं लूंगी ब्लू कलर। अब यहां पर इन दोनों को मिक्स करूंगी। तो यहाँ पे थोड़ा मैं रेड की क्वांटिटी को और ले रही हूँ, ब्लू की क्वांटिटी को ज़्यादा नहीं लेंगे, रेड की क्वांटिटी को थोड़ा और लूँगी तो वो वॉलेट में कन्वर्ट होगा। तो मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, दिख रहा है आपको, है ना, वॉलेट कलर में कन्वर्ट हो गया। ओके, नाउ ब्लू कलर लेंगे और येलो कलर लेंगे। येलो कलर लगाया, येलो की क्वांटिटी थोड़ी मैं ज्यादा लूंगी, एंड देन ब्लू कलर मैंने ऑलरेडी लिया हुआ था ब्रश में, तो आप देख सकते हो
यहाँ पे कौन सा कलर बन के रेडी हुआ है आप बता सकते हैं, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये कौन सा कलर बना है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि कौन सा कलर बना है। ओके, मैं नहीं बताऊंगी, आप बताएंगे मुझे। ओके ठीक है, तो चलिए अभी आते हैं प्राइमरी कलर की बात। कौन से कलर आएंगे? टर्शरी कलर आएंगे ना, टर्शरी कलर्स के लिए। टर्शरी कलर्स होते कौन से हैं? तो देखिए, हमने अभी तक बनाए हैं प्राइमरी कलर एंड सेकेंडरी कलर। प्राइमरी कलर कौन से होते हैं? जो कि कलर्स नहीं बनाए जा सकते, दो कलर को मिक्स करके नहीं बनाए सकते, वो प्राइमरी कलर्स होंगे। और सेकेंडरी कलर्स होंगे जो कि प्राइमरी कलर से मिक्स होकर बनाए जा सकते हैं। अब आती है बात टर्शरी कलर्स की। तो देखिए, टर्शरी कलर्स जो होते हैं वो कौन से कलर्स होते हैं? अभी तक हमने बनाया प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इन दोनों को अगर हम मिक्स कर देंगे तो कौन से कलर बनेंगे? टर्शरी कलर्स बनेंगे। ठीक है, तो आप यहां लिख लीजिए, टर्शरी की स्पेलिंग ही होती है, टर्शरी कलर्स लिख लेंगे। ठीक है, तो कलर्स के नेम्स पहले लिख लेते हैं जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। येलो ऑरेंज, रेड ऑरेंज, रेड वायलेट। ये आप अपना एक चार्ट बना के अपने रूम में लगा लीजिएगा। ब्लू ग्रीन एंड येलो ग्रीन। आई होप माई राइटिंग इज क्लियर टू यू। इफ इट इज नॉट देन आप मेरे को कमेंट सेक्शन में को बता सकते हो कि क्लियर नहीं है, तो आई विल ट्राई टू राइट मोर नीटली। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये नेम्स लिख लिए हैं आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर एक ब्रश ले लेती हूं मैं, और जहां पर रेड कलर है वहां पे रेड कलर लगा लेती हूं पहले। ओके, नाउ यू विल टेक अनदर ब्रश। आप ट्राई करिए कि दूसरा ब्रश लीजिए, नहीं तो वॉश भी कर सकते हैं। येलो कलर एंड येलो कलर, यहाँ यहाँ पर येलो कलर है, यहाँ पर हम मिक्सिंग करेंगे। इधर तो मैं कलर्स के नेम्स के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे रख रही हूँ, यहाँ पे हम मिक्सिंग करेंगे। ओके, नाउ आ जाता है हमारा ब्लू कलर। ठीक है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं कलर्स, है ना। अभी क्या करना है आपको, ब्रश चेंज करना है या फिर वॉश कर लीजिए, और येलो एंड ऑरेंज को मिक्स करना है। ठीक है, तो अब ऑरेंज कलर कैसे बनेगा? पहले तो आप येलो कलर ले लीजिए एंड रेड कलर ले लीजिए। ठीक है,
दोनों को यहाँ रख करके मिक्स करिए और बनाइए, ठीक है। ये मेरा ऑरेंज बन गया। अब येलो एंड ऑरेंज को मिक्स करना है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी येलो रखा हुआ था, तो देखिए यहाँ पर इन दोनों को प्लस करके बनाने हैं कलर। ये प्लस का मैं साइन बना देती हूँ, ठीक है, और ये इक्वल का बना देती हूँ। इन दोनों को मिक्स करके आपको यहाँ बनाने हैं, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अब ऑरेंज ऑलरेडी मेरे हाथ में बना हुआ है, तो मैं येलो के साथ मिक्स कर लूंगी ऑरेंज को। तो ये एक मेरा चौथा कलर बन के रेडी हो गया है, ठीक है। फर्स्ट कलर येलो था, दूसरा कलर हमारा रेड एंड रेड एंड येलो को मिक्स किया, ठीक है, एंड देन ऑरेंज बना। ऑरेंज के बाद हमने येलो एंड ऑरेंज को मिक्स किया, तो ये टर्शरी कलर बना, ठीक है। अब ऑरेंज मेरे हाथ में ऑलरेडी है, यहाँ पर रख लेंगे ऑरेंज को, और रेड एंड ऑरेंज को मिक्स करेंगे तो एक वर्मिलियन कलर बन के आएगा, ठीक है। तो ये रेड का लाइटर शेड माना जाएगा, टर्शरी कलर, ठीक है, जो कि ऑरेंज शेड को टच कर रहा है, ओके। नाउ यहाँ पर वॉयलेट कलर यहाँ से पिक कर लेते हैं। वॉयलेट कलर आपको पता है कैसे बनाया था हमने, रेड एंड ब्लू को मिक्स करके, ठीक है। अभी वॉयलेट कलर को रेड के साथ मिक्स करेंगे तो एक दूसरा कलर बन के रेडी होगा, जो कि पर्पल जैसा लगेगा आपको, ठीक है, मैजेंटा पर्पल जैसा लगेगा। तो यहाँ पे बन के रेडी हो गया। फिर से वॉश करेंगे अपने ब्रश को। ग्रीन कलर आपको चाहिए तो आप कैसे लेंगे, ग्रीन ब्लू लेंगे एंड येलो लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर ग्रीन बना लेंगे। तो ग्रीन एंड ब्लू को मिक्स करेंगे तो एक अलग कलर बन के रेडी होगा। वो कलर का नेम मैं बता देती हूँ, ये वाला है पेथलो क्लाइन 9 ग्रीन, ठीक है, इस तरह का कलर का नेम है। तो ऐसा कलर बन के रेडी होगा। अब यहाँ पे आ जाता है ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर जो है वो आपको पता है ब्लू एंड येलो को मिक्स करके होगा। येलो थोड़ा सा और निकाल लेती हूँ। ठीक है, येलो एंड ग्रीन को मिक्स किया और ये देखो लेमन ग्रीन बन के रेडी हुआ है, ठीक है, लाइट ग्रीन लेमन ग्रीन ऐसा कलर। अब चलिए इनका नेम लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने येलो एंड ऑरेंज को मिक्स किया था वो कौन सा कलर बना था, ठीक है, इसका नेम है अंबर, अंबर कलर, ठीक है। जब हमने रेड एंड ऑरेंज को मिक्स किया तो हमारा बना वर्मिलियन कलर, ठीक है। जब हमने रेड एंड वॉयलेट को मिक्स किया तो हमारा बना मैजेंटा, ठीक है। देन उसके बाद हमने ब्लू एंड ग्रीन को मिक्स किया तो हमारा कौन सा कलर बना, टील ग्रीन, टील कलर बन के रेडी हुआ, ठीक है। अगर हमें टील कलर को लाइट शेड में बनाना है, ये जो टील कलर है जो आपको दिख रहा है, ठीक है, वो अगर लाइट शेड में बना तो उसमें व्हाइट मिक्स कर लेंगे, ठीक है। येलो एंड ग्रीन को मिक्स करेंगे तो कौन सा कलर बनेगा, चार्ट्रूज, चार्ट्रूज आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आप ये पूरा बना के रख लीजिए एंड देन उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपको इन कलर्स से पेंटिंग्स बनाना सिखाएंगे कि किस तरीके से प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके एक पेंटिंग क्रिएट की जा सकती है, ठीक है। सिर्फ प्राइमरी कलर्स लेंगे और उससे ही पेंटिंग बनाएंगे, ठीक है, सिर्फ प्राइमरी कलर से।
सो गाइज, अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ये चार्ट नहीं बनाया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा ये दोनों चीज़ें, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, बिकॉज तभी आपके पास सारी नोटिफिकेशन आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर यूजफुल लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो भी आर्ट की फील्ड में है, या फिर छोटे बच्चों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, बिकॉज ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सभी को नॉलेज होनी चाहिए, छोटे बच्चों को भी पता होना चाहिए, ये अगर आप आर्ट लवर हैं उनको भी पता होना चाहिए और एक आर्टिस्ट को भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं व्हील बनाना सिखाऊंगी और एक पेंटिंग भी सिखाऊंगी, तो पहले कलर व्हील बनाएंगे हम, उसके बाद हम पेंटिंग की वीडियो हम क्रिएट करेंगे। तो या गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात होगी। थैंक यू गाइज़।